मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने उद्यमियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने व्यापारियों से वार्ता करते हुए कहा कि गीडा में 7.5 एमएलजी क्षमता की सीईटीपी स्थापित करने की स्वीकृति नमामि गंगे योजना के अंतर्गत एएनएमसीजी भारत सरकार द्वारा 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें एनएमसीजी प्रदेश सरकार गीडा एवं उद्यमियों द्वारा वित्तीय भागीदारी की जानी है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एसपीजी का गठन किया जा चुका है। पर्यावरण स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति में है। उन्होंने कहा कि कब्जा बाधित भूखंडों के संबंध में गीडा द्वारा विस्तृत नीति को संपन्न प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुमोदन होने की संभावना है। वहीं व्यापारियों ने कहा कि गाड़ी का पेपर होने के बाद भी पुलिस जगह जगह पर परेशान करती है, जिस पर मंडलायुक्त ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों की गाड़ी को परेशान ना किया जाए। इस अवसर पर गीडा के सीईओ पवन अग्रवाल, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे। एजेंडा नंबर 2 औद्योगिक जीएसटी वाला मामला जो है, वो एजेंडा बनाया था सर ने मौके पर। पिछले बैठक में जीएसटी का दो मामला का वहां लेके करके गाड़ियां जब निकलती हैं, ईवे बिल अगर हाथ से लिखा जाता है तो कई बार गाड़ी को रोक लिया जाता है। तमाम लोगों का फोन आता रहता था, तो उस मैटर को हमने डिस्कस किया था। चालान लगवा दीजिए, नहीं चालान है लेटर हेड पे लिख दीजिए, बिल्कुल संतुष्ट है सर, होना चाहिए था। लिखा रहे वो भी हमारे यहाँ कोई रोक नहीं सकता है। वैसे हमने कहा सर रोका जाता है, तमाम तरीके से तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं अभी ग्रुप है हमारा, मैं उस पर मैसेज डाल देता हूँ, आपकी गाड़ियाँ नहीं रुकी। एनएमसीजी भारत सरकार द्वारा 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें एनएमसीजी प्रदेश सरकार गीडा एवं उद्यमियों द्वारा वित्तीय भागीदारी की जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एसपीवी का गठन भी किया जा चुका है। पर्यावरण स्वीकृति हेतु इसी की कार्रवाई प्रगति में है। अद्यतन प्रगति से गीडा हो गया है, मिल गया है एनएमसीजी से, उसमें 50% कॉस्ट एनएमसीजी देगी सर। बाकी जो 46.5 करोड़ है उसमें 20 करोड़ ऑलरेडी सर स्टेट के लेवल पे ईयर मार्क है सर, 17 करोड़ गीडा से भी बजट सर ऑलरेडी पास है बोर्ड से सर, जो 7-8 करोड़ बचेगा सर उसका स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ उद्यमियों को भी देना था, लेकिन उद्यमियों की तरफ से वो आ रहा है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस का दे देंगे, उसका कंस्ट्रक्शन का ना लिया जाए। तो सर भी आए थे, उनके संज्ञान में भी है सर, इसका कोशिश कर रहे हैं कि फंडिंग सर कहीं और से टाई अप हो जाए बाकी, लेकिन इसमें फंडिंग के कारण अभी नहीं रुक रहा है सर। अभी जो इमीडिएट चल रही है चीज़ वो एसपीवी का सर गठन इसमें हो गया है सर, एसपीवी का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना है, तो एनएमसीजी को फाइल उसकी भेज दी है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें गवर्नमेंट के मेंबर नॉमिनेट होने की भी सारा पता गवर्नमेंट का लग रहा है, तो एनएमसीजी के लेवल पे है सर, उसका फॉलोअप भी कर रहे हैं, लगभग 20-25 दिन हो गया है, वहाँ पे बात भी की है सर 2-3 बार, वो ये जल्दी हो जाएगा। मीटिंग भी हुई थी, तो स्टेट लेवल कमेटी है, स्टेट इन्वायरमेंट असेसमेंट सिया करके जो है सर, तो उन्होंने कुछ क्वेरीज लगाई थी सर, क्वेरीज का जवाब भी दे दिया है सर, वो उम्मीद है कि नेक्स्ट 15 डेज में इसकी दोबारा मीटिंग होकर इसी के अप्रूवल हो जाए। जी जी, तो ये पिछले 2 महीने की सर यही प्रॉब्लम। गीडा में 2014 में कब्जा बाधित प्लाट के आवंटन के बचे हुए कब्जा बाधित आवंटी को भूखंड आवंटित 20 भूखंड ऐसे थे जिनका हम नहीं कब्जा दे पाए थे। एक्चुअली ओरिजिनली लगभग 42-43 के आसपास भूखंड थे सर, तो कुछ लोगों ने उस टाइम पे पैसा वापस ले लिया, कुछ लोगों ने प्लॉट चेंज करके हमने उनको ऑफर कर दिया। गीडा में ये है कि प्लॉट चेंज करके ऑफर करते हैं तो करेंट रेट पर प्रीमियम देना पड़ता है उनको, तो कुछ लोगों ने उस ऑप्शन को लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। जिन लोगों ने नहीं लिया था उसके बाद 13 लोगों ने सर प्लॉट ले लिया था।